नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बड़ी खबर, बिहार से मुंबई व दिल्ली ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के लिए दो जोड़ी व कामाख्या से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। तीनों स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार को, जबकि नई दिल्ली डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन का परिचालन 20 अक्टूबर से प्रत्येक मंगलवार को होगा। यह ट्रेन पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर व हाजीपुर स्टेशन पर रुकेगी। दूसरी ओर 02519 लोकमान्य तिलक टर्मिनल कामाख्या स्पेशल 18 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को, जबकि 02520 कामाख्या लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल 15 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार को। अगली बड़ी खबर, कोविड-19 व चुनाव के बीच हो रही दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस को लेकर है। यह गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर है। आइए जानते हैं सभी गाइडलाइन के बारे में। तो सबसे पहले, किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला आदि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है। सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सभी अंगतुंगों को तापमान की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से दिशा निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि लोगों द्वारा स्वतः इसका पालन करना सुलभ हो। सभी वरीय अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार व यूपी के बीच हुई समझौते के तहत बसों का परिचालन दुर्गा पूजा से पहले शुरू होने की संभावना है। इसके तहत यूपी परिवहन व बिहार परिवहन निगम की बसें दोनों राज्यों के कई शहरों के लिए चलेगी। बसों के परिचालन के लिए यूपी को पत्र भेजा गया है, वहां से परमिशन का इंतजार है। परिवहन निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस संबंध में दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बैठक पहले ही हो चुकी है। एक सप्ताह में परमिशन मिलने की उम्मीद है। इसके बाद बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर ट्रेनों का परिचालन कम होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बसों का परिचालन शुरू होने से दोनों राज्यों में सटे इलाकों में आने जाने की सुविधा बढ़ जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर बसों का परिचालन बंद हो गया था। अगली बड़ी खबर, राज्य के थानों में होने वाली हर गतिविधि अब कैमरे की नज़र में होगी। बिहार के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम अंतिम चरण में है। अब तक 900 थाने में कैमरे लगा दिए गए हैं। राज्य के 1056 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना है। ये थाने राज्य के 40 जिलों के अलावा 4 रेल पुलिस जिलों के अधीन है। पुलिस पर हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप अक्सर लगता है। यही वजह है कि थानों के हाजत में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसके अलावा सरिस्ता और उसके अन्य हिस्से में भी कैमरे की नज़र में होंगे। इससे थानों में आने वाले लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार पर भी नज़र रखी जाएगी। थाने के कक्ष में एक स्क्रीन लगेगा, जिसके जरिए कैमरे में कैद होने वाली तमाम गतिविधियों को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि थाने में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। लंबे समय तक रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की वजह साफ है। यदि कोई शख्स महीनों बाद भी पुलिस पर थाने में बदसलूकी और प्रताड़ना का आरोप लगाता है तो उसकी जांच की जा सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सूबे में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है और अपने पार्टी के स्टार प्रचारक के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार भी बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ कर दिया है कि कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। बिहार के चुनावी मैदान में इस बार छात्र नेता भी अपना रण कौशल दिखाने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं बिहार चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी 23 अक्टूबर से चुनावी रैलियां करेंगे, हर दिन 6 सभाएं करेंगे, सासाराम बक्सर से शुरुआत की जाएगी। राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ की नगरी से सम्राट अशोक की धरती पर चुनावी स्नान करने आ रहे हैं। सासाराम में पहले चुनावी सभा के बाद वे कांग्रेस के कई बड़े उम्मीदवारों के पदित कर सकते हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक राहुल के कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। राहुल का पूरा दौरा हवाई होगा, एक दिन में आधा दर्जन स्थानों पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं की माने तो राहुल 23 अक्टूबर के बाद प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हवाई दौरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तेजस्वी ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के वक्त बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने नॉमिनेशन के पहले अपनी मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद लिया और फिर नामांकन को निकले। नामांकन के पहले रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज दे डाला। उन्होंने सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि मैं तो आज नामांकन करने जा रहा हूं, पर वो भी अपने गृह जिले नालंदा का कोई विधानसभा चुन ले और वहां से नामांकन करे। केंद्रीय माध्यमिक 21 की परीक्षा को लेकर 10वीं और 12वीं के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। अब बिना लेट फाइन के 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहले ये डेट 15 अक्टूबर थी। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल व अभिभावकों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखकर CBSE ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है। स्कूल अब 31 अक्टूबर तक बोर्ड के पास 10वीं और 12वीं की LOC जमा करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा PDA में शामिल SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अन्य घटक दलों के नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पप्पू यादव के नेतृत्व में PDA बिहार में परिवर्तन की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इनके मुख्यमंत्री बनने से बिहार में दलित मुसलमानों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए लोगों को सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कमजोर वर्ग असुरक्षा में जी रहा है। अगली बड़ी खबर, लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख और नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव बुधवार सुबह कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस की सदस्यता लेने के कुछ ही घंटे बाद पार्टी ने उन्हें मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि यहां उनका मुकाबला जदयू उम्मीदवार निरंजन कुमार मेहता से होगा। इससे पहले उनके राजद से चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी। अगली बड़ी खबर, बिहार में कंटेनमेंट जोन को लेकर है। जी हां, चुनाव से पहले अभियान चलाकर राज्य भर के कंटेनमेंट जोन के लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी वोटिंग के लिए प्रशासनिक रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्युत अमृत ने सभी कंटेनमेंट जोन के लिए तिथि निर्धारित करते हुए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं कोरोना जांच के लिए तय की गई तिथि को। तो 71 विधानसभा क्षेत्रों में 23 से 25 अक्टूबर तक अभियान चलाएगा। वहीं 94 विधानसभा क्षेत्रों में 29 से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा और 78 विधानसभा क्षेत्रों में 2 से 4 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर को है, दूसरा चरण 3 नवंबर को है और तीसरा चरण आपका 7 नवंबर को होने वाला है। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ पूजा में यात्रियों को परेशानी से बचाने को लेकर पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में एक दर्जन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के परिचालन से आम यात्रियों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं रेलवे अब टिकट बुकिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कौन से ट्रेन के परिचालन को लेकर तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली जो रोजाना चलेगी, राजेंद्र नगर टर्मिनल हावड़ा भी रोजाना चलेगी, पाटलिपुत्र चंडीगढ़ जो सप्ताह में 2 दिन चलेगी, राजेंद्र नगर टर्मिनल जम्मू तवी 2 दिन, पटना छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 दिन, रक्सौल लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक रहेगी, राजेंद्र नगर टर्मिनल अजमेर साप्ताहिक रहेगी, दरभंगा मैसूर साप्ताहिक, बरौनी एकारपुर साप्ताहिक, पाटलिपुत्र यशवंतपुर साप्ताहिक, पटना वंशवाड़ी साप्ताहिक, गया चेन्नई एगमोर ट्रेन ये भी साप्ताहिक रहेगी। आपको बता दें कि इसकी जो बुकिंग है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी।
तो बिहार में लंबे समय के बाद 15 अक्टूबर यानी आज से स्कूल खुलने जा रहा है। तो बच्चों को भेजने से पहले आप ये जरूरी बात जान लें। तो बिहार में आज से स्कूल खुला जा रहा है, इसके लिए बोर्ड ने स्कूल खोलने से पहले टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। इन्हीं टास्क फोर्स के माध्यम से नियमों का पालन कराया जाएगा। बता दें कि बोर्ड ने स्कूल खोलने से पहले अभिभावकों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया है। सीबीएसई के अनुसार लंच ब्रेक में सीबीएसई स्कूल के छात्र अपना लंच बॉक्स दोस्तों के साथ नहीं बांट सकेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने इस पर रोक लगा दिया है। स्कूली छात्र पेंसिल और रबर जैसे सामान भी दोस्त के साथ अदला बदली नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कहा कि छात्रों को लंच करने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। स्कूल प्रशासन इस पर भी नजर बनाए रखेगा। स्कूलों में एसी 24 से 30 सेकंड के बीच ही चलाने का निर्देश सीबीएसई ने दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर एक बड़ा ऐलान किया है। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा है कि गठबंधन सरकार आने पर शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। लालू यादव ने अपने ट्वीट में नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने बिहार सरकार से सवाल पूछा है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम पर समान वेतन क्यों नहीं दिया है, हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठी क्यों बरसाई गई है। और अंत की बड़ी खबर, इस बार पटना के बाकीपुर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यह सीट इसीलिए भी काफी हॉट होगी क्योंकि बाकीपुर से अपने आप को मुख्यमंत्री का भावी उम्मीदवार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ताल ठोकेगी। वहीं शॉर्ट गन शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े बेटे लव सिन्हा भी इस विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। भाजपा नेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी सुषमा साहू भी बाकीपुर से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं इस बार भाजपा ने भी अपने 3 बार के विधायक नितिन नवीन को भी उतारा है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब